रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया काढ़ा वितरित। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। करणी नगर विकास सेवा समिति व आयुर्वेद विभाग किशनगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में मीरा बावड़ी बालाजी मंदिर के पास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए निशुल्क काढ़ा वितरित किया गया। काढ़े का वितरण वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद प्रसाद शर्मा, करणी नगर विकास सेवा समिति के अध्यक्ष नाथुलाल कुमावत व करणी नगर विकास सेवा समिति के संरक्षक सत्यनारायण शर्मा के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में भाजपा युवा नेता डॉ. विकास चौधरी व भाजपा जिला महामंत्री वेद प्रकाश दाधीज द्वारा भी शिरकत की गई। वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद प्रसाद शर्मा ने बताया कि मौसमी बीमारियों व COVID-19 को देखते हुए आमजन को काढ़े का वितरण किया जा रहा है। काढ़े में औषधीय गुण व्याप्त हैं जो कि व्याधियों से लड़ने में सक्षम हैं। मौसम परिवर्तन होने के साथ साथ आमजन में बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जयराम मालाकार, अखिल भारतीय कुमावत समाज के जिलाध्यक्ष प्रहलाद मारवाल, राष्ट्रीय पत्रिका कुमावत मंडली व्यवस्थापक प्रभुदयाल कुमावत, पूर्व पार्षद पंकज पहाड़िया, भाजपा कार्यकारिणी सदस्य हरकचंद, सनी नगर विकास सेवा समिति के हमीर सिंह, कैलाश वैष्णव, ओम यादव, पर्वत सिंह, कैलाश चारण सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये इस मौसम के अंदर जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर ये रोग प्रतिरोधक खाद है, जिसके अंदर डेंगू है, ज्वर है, प्रतिशाही है, कास है, इसके रोकने के लिए इसमें कई दिव्य औषधियाँ 32 औषधियों का मिश्रण है, जिसमें गोजीवादी पात है, वासलेश्मी का, भारंगी है, हल्दी है, तुलसी है, ये अदरक है, ये ऐसी चीज़ें डालकर के मिश्रण तैयार किया गया है, जिसमें लोगों के जो श्वसन संबंधी बीमारी है, खांसी है, या फेफड़ों संबंधी जो भी बीमारी है, या जो आजकल जो चल रहा है ये कोरोना मौसमी बीमारी जो चल रही है, इसको किसी भी नाम से आप बोल दीजिए, उसके अंदर ये काढ़ा क्वाट जो हम आयुर्वेदिक पद्धति से जो आयुष की जो गाइडलाइन है उसके तहत हमने ये तैयार करके जनता को पिला रहे हैं। और इसका कायदा यह है कि सुबह सुबह इसको पीना चाहिए, खाली पेट इसको लेना चाहिए, भरे पेट इसको नहीं लेना चाहिए, और इसकी मात्रा यह है एक डिस्पोजल यानी 3 घुटक, इससे ज़्यादा इसको नहीं लेना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अमृत के समान काम करता है। इसको नित्य अगर जो व्यक्ति 3 दिन तक सेवन करेगा उसके स्वास्थ्य में इस तरह की खांसी है, बुखार है, जुकाम है, ये मौसमी बीमारियां नहीं होगी। ये हमारा विभाग आयुर्वेद विभाग कटर या आयुर्वेद विभाग की पहल है। यहाँ के कुमावत समाज है, अग्रवाल समाज है, यह करणी सेवा समिति है, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जनहित के लिए ये कार्यक्रम रखा है और ये सराहनीय है। लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस पात का सेवन करना चाहिए। आपका नाम? मैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक, राजकीय हितेशी आयुर्वेद चिकित्सालय पुराना सर। इस कार्यक्रम में कौन कौन से डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दी है? इसमें आयुर्वेद विभाग है और जनप्रतिनिधि है मैडम, और जनता का सहयोग है। इसके तहत ये आप है जो यहाँ करणी नगर विकास समिति के अध्यक्ष है, इसी तरह से यह सब जनता ने, अग्रवाल समाज है, कुमावत समाज है, इनका बराबर सहयोग रहा है। परसों पहले जब हमने वहाँ तेजा युवक मंडल ने काढ़ा क्वाट पिलाया, इस तरह से किशनगढ़ की जनता के लिए हर जगह, हर अलग अलग जगह नित्य हम कैंप लगा करके जनता की सेवा कर रहे हैं, ताकि जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, यही हमारा उद्देश्य है।